नमस्कार, मैं हूं हर्षद कुमार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज चैनल। सबसे पहले मैं तो यही कहता हूं, घर में रहो, सुरक्षित रहो। अब बात करते हैं, आज विश्व में कोरोना वायरस से महामारी से चल रहा है, तब गुजरात सरकार ने जो एक्स आर्मी मैन है उन सभी को भी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया है। अभी हम जहाँ खड़े है वो साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के विजयनगर तहसील के अंदर जो पुलिस थाना है, यहाँ पुलिस सब इंस्पेक्टर मेहुल कोठवाल साहब की उपस्थिति में सभी विजयनगर तहसील के आसपास के लोग जो एक्स आर्मी मैन है वो सभी लोग यहाँ आ गए हैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। उन सभी एक्स आर्मी मैन वालों को बहुत खुशी है क्योंकि दोबारा उन्हें सेवा करने का मौका मिला है। चलिए हम उनको बारे में पूछेंगे, उतनी खुशी की किस प्रकार की खुशी है, चलिए हम उसको बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, एक्स आर्मी मैन जुड़ चुके हैं। सर जी, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है कटारा पोपटवाल जी। हमारे साथ कटारा पोपट भाई जुड़ चुके हैं, हम उसको बात करने की कोशिश करेंगे। उसको दोबारा वक्त मिला है जो सेवा करने के लिए, उनके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। सर आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपको दूसरी बार आपका मौका मिला है? सर अभी हमारे को जैसे कि हमने 20 साल हमने आर्मी के अंदर देश सेवा किया है और हम फिर अभी पेंशन आने के बाद भी ये कोरोना वायरस के चलते हमारे को फिर यहाँ विजयनगर पुलिस स्टेशन में हमारे को यहाँ बुलाया गया है और हमें और दो बार ये मौका मिल चुका है, ठीक है। और अभी हम वैसे कि जैसे कि अभी हम पब्लिक को समझाएंगे कि आप मुंह पे मास्क रखो और अपना बिन जरूरी घूमते हैं उनको घूमने का थोड़ा अपना घर में रहने के लिए कहते हैं। और जैसे कि उन लोगों जहां हमारे को मिलेंगे बाइक वाले चाहे गाड़ी वाले उनको वो रोक के हम बताएंगे कि भाई आप ऐसा मत करो, ठीक है, आप जिंदगी का खतरा उठा रहे हैं, घर में रहो, सुरक्षित रहो, वो हम उनको समझाने के लिए हमारे को आज यहां पर विजयनगर पुलिस स्टेशन में बुलाए गए हैं और यही है हमारे लिए, ठीक है। इसको बहुत ही उसको उम्मीद भी है कि हम लोगों को समझाए, घर में रहे, बिना जरूरी से बाजार में उधर उधर सड़कों पे ना घूमे क्योंकि ये महामारी हमारे सबके लिए होती है। हमारे साथ दूसरे भी बंदे हैं, चलिए हम उसको भी पूछने की कोशिश करेंगे कि सर जी आपका नाम क्या है? मैं पटेल अरविंद भाई। हमारे साथ पटेल अरविंद भाई जुड़ चुके हैं। सर आपके दूसरी बार मौका मिला है इस महामारी के लिए, पूरा देश महामारी में फंस चुका है, हाहाकार मचा दी है कोरोना वायरस से, इसके आपको दूसरी बार मौका मिला है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, देश सेवा तो हमने ऑलरेडी हमारे से करवाई गई जो हमने की है, लेकिन दोबारा हमारे को जो मौका मिला है देश को बचाने का मतलब हमने उनको सपोर्ट करना है जो कोरोना वायरस है। लोगों को सबसे बड़ी बात है लोगों को समझाना, सबसे बड़ी बात कि ये बीमारी महामारी के चलते देश पूरा परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है, तो हम हमारे से जितनी हो सके वो हम इनको हेल्प करना चाहते हैं। इसीलिए हम आज विजयनगर तहसील विजयनगर के जो विजयनगर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आए, PSI साहब से बात की हमने, उनको बोला कि बोला जो भी हमारे से हेल्प हो सकती है वो हेल्प हम करने के लिए तैयार है, 24 आवर्स हम लोग तैयार है। ये हमारे मान लो हम लोग विजयनगर गए तो हमारा जो सोल्जर बोर्ड पड़ता है हिम्मतनगर में, वहाँ से हमारे को बाय लिस्ट जो भी नाम आए हम उनके लिए देश सेवा के लिए हम लोग तैयार है, चाहे हमारे को जहाँ भी रखा जाए, ये हमारा लास्ट है कि देश हम तैयार हैं, जहाँ भी रखे हम वहाँ पर रहने के लिए तैयार है, देश सेवा के लिए तैयार है, ये कोरोना से लड़ने के लिए ये सभी लोग देश सेवा करने के लिए तैयार है। ये अभी कोरोना महामारी चल रही है इसमें ये जुड़ चुके हैं अपनी देश सेवा करने के लिए, वो 24 होर्स भी करने के लिए तैयार है क्योंकि ये देश इतना महामारी में फंस चुका है, इसको निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दूसरे भी बंदे हैं, हम उसको बात करने की कोशिश करेंगे। सर जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डामर नरेश भाई मोगा जी। सर नरेश भाई भी जुड़ चुके हैं। सर ये दूसरा मौका मिला है आपने, पहले तो आपको बॉर्डर पर शायद मिला होगा, अभी आपको देश को बचाने के लिए मौका मिला है, तो इसके बारे में आपकी सोच क्या है? हमारी सोच यही है कि कोरोना को रोकने के लिए और महामारी फैलाए नहीं, ये माटे हमें सेवा करवा माटे अहीं जोड़ाया। सभी लोग सेवा करने के लिए तत्पर है। विजयनगर से संवाददाता हर्षद कुमार की रिपोर्ट।